मैं भक्तों के हृदय का आभूषण भक्ति हूँ। मैं पुजारियों के हृदय का आभूषण पूजा हूँ। बालक गणेश और शिव शंकर के युद्ध के स्वर ब्रह्मलोक और बैकुंठ तक जा पहुँचे। क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल प्रहार से बालक गणेश का मस्तक काट डाला। बालक गणेश के कटे मस्तक को देखकर उत्तेजित देवी पार्वती ने नव दुर्गा को प्रकट करके संसार में प्रलय मचाने का आदेश दिया। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्ये नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्ये। जाओ प्रलय मचा दो, भयंकर प्रलय, महाप्रलय, मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो, शांत हो माता, 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 शांत हो। ध्यान को विराम दे महादेव। महादेवी पार्वती का क्रोध शांत करें महादेव, अन्यथा समय प्रलय हो जाएगा। महादेवी पार्वती के क्रोध के सन्मुख संसार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा भोलेनाथ। हे कल्याणकारी शिव, इस संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे प्रभु। परमपिता श्री हरि, संकट की इस घड़ी में हम अपनी इच्छा से संसार को प्रकट करने वाले परमदेव श्री महागणेश का आह्वान करें। वे ही इस विपत्ति का अंत कर सकते हैं।
तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। यह घटना परमदेव श्री महागणेश से ही जुड़ी है। संकट में पड़ी सृष्टि की रक्षा परमदेव श्री महागणेश ही कर सकते हैं। परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें। महागणेश परमदेव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें। परमदेव श्री महागणेश दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। अहव्यामि 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 अहव्यामि। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की। माता पार्वती जगत जननी जगदम्बे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। ये तो मेरी प्रत्यक्ष लीला का संकेत है। इस संसार और त्रिदेवों की समस्त लीलाएं मेरी ही लीला के घटना चक्र से जुड़ी होती हैं। शांत हो माता, शांत हो। मेरी ये लीला भविष्य में सर्व मंगल का कारण बनेगी। संसार को जीव मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है माँ देवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर, अपने ध्यान को विराम दे। जागे भोलेनाथ, जागे। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि, देवगणों, कैलाश में घटने वाली इस घटना के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर, गौरी पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें। श्री हरि विष्णु जी, अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। गौरी पुत्र गणेश हमारे इस त्रिशूल के प्रहार से प्राणहीन नहीं हुआ है। गंग 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 गंग, अर्थात महादेव, महागणेश की महालीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ, आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का
अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव, शुभस्य, शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। निर्दोष प्राणी का वध, दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। ये तो देवेंद्र का वाहन शापित ऐरावत है। क्या इसका मस्तक गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी ही प्रतीक्षा में यहां खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को प्रदान करके आप संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की नई भावना का उदय करेंगे। किंतु श्री महागणेश, ऐरावत का मस्तक काट लेने से क्या नई समस्या का जन्म नहीं होगा? श्री हरि, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने एवं संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने इस महालीला का आयोजन किया है। श्री हरि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो ये ऐरावत क्या कह रहा है। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, मुझ पतित का उद्धार करें। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा ही मुझे श्राप मुक्ति मिलेगी। श्राप मुक्ति नहीं ऐरावत, श्राप मुक्ति नहीं, तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन, ऐरावत का कल्याण करें। पतित और श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया। श्री हरि, आपकी जय हो, आपकी जय हो।